दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर 2021। एक बार फिर से हम आपके लिए पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांच विभागों में बम्पर वैकेंसीज निकली है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन सभी भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए सुनहरा और बड़ा मौका निकला है। इनमें कुछ भर्तियाँ बिना एग्जाम की भी निकली है, बिना परीक्षा की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग, BEL और भी अन्य विभाग है जिनके अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। यहाँ पर वैकेंसीज आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की PDF से चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो राजस्थान स्टेट के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 दिसंबर 2021 है। छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए 3 दिसंबर 2021 है। हिमाचल प्रदेश के लिए लास्ट डेट 15 दिसंबर 2021 है। मध्य प्रदेश के लिए 3 दिसंबर 2021 है। गुजरात के लिए यहाँ पर 25 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी की अगर बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 है। पोस्टमैन के लिए 21,700 से 69,100 है। MTS के लिए 18,000 से 56,900 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन के लिए इंटरमीडिएट पास यानी के 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए हाई स्कूल पास यानी के 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। PASA पोस्टमैन के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। MTS पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस ₹100 है जो कि आप चालान के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन स्पोर्ट क्वालिफिकेशन से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन परफॉर्म आपको नोटिफिकेशन की PDF में और साथ ही साथ ऑफिशियल एड्रेस भी आपको नोटिफिकेशन के PDF में ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो भर्ती भी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग में ही निकली है। यहाँ पर स्किल्ड आर्टिसंस की पोस्ट निकली है जिसके अंतर्गत पोस्ट है मोटर व्हीकल मैकेनिक, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन, पेंटर, फीटर, कॉपर एंड टिन स्मिथ और अपहोल्स्टर की। यहाँ पर वैकेंसीज आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 दिसंबर 2021 है। सैलरी 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। 8वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ट्रेड टेस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एड्रेस इसका भी नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, BEL के अंतर्गत ये भर्ती है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 80 वैकेंसीज निकली हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 नवंबर 2021 है। सैलरी 10,400 है प्रति माह के लिए। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम आयु सीमा 23 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो।
bl-india.in और mhrdnuts.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत भर्ती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पोस्ट है। वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 नवंबर 2021 है। इंटरव्यू की डेट इसमें 22 नवंबर 2021 है। सैलरी 10,454 प्रति माह के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो BCA, BSc IT, PGDCA, PGDIT या MSc IT या MCA से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 63 ईयर्स है। यहाँ पर ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए ₹100 फीस है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम की ये भर्ती है। इंटरव्यू से चयन होगा, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। PAU.edu ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में, औद्योगिक विकास और निवेश निगम के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर और जूनियर असिस्टेंट की 217 वैकेंसीज यहां पर निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 नवंबर 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 13 नवंबर 2021 है। सैलरी लेवल 6, 8, 10, 11, 12 और 14 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो 12th पास, डिग्री पास, BBTech, MSc, लॉ ग्रेजुएट, BCom, डिग्री, डिप्लोमा से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की अगर इसमें बात की जाए तो जनरल या UR कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस है। OBC, NCL, नॉन क्रिमिलेयर या EWS के लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस है। SC, ST, PH कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्रा से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन इसमें आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। industries.rajasthan.gov.in/rico इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी के 28 अक्टूबर 2021 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।